वेलकम बैक क्यूरियस फ्रेंड्स। आज का वीडियो भी हमारा कमाल का होने वाला है। आज भी हम कुछ नया जानेंगे। आप में से कई लोगों ने कमेंट में कहा था कि आपको दुनिया का सबसे सस्ता 4 से 5 सीटर हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन R-44 के बारे में जानना है, तो हमारा ये वीडियो भी इसी टॉपिक पे है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे रॉबिन्सन R-44 हेलीकॉप्टर के बारे में। आज से कुछ दिन पहले मैंने पॉल में ये सवाल भी किया था कि रॉबिन्सन कंपनी आखिर किस चीज़ का निर्माण करती है, तो उसमें 82% लोगों ने सही जवाब दिया था। R-44 हेलीकॉप्टर का निर्माण भी रॉबिन्सन कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। ये एक 4 सीटर हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर 2 सीटर रॉबिन्सन R-22 का अपग्रेडेड वर्जन है। हम R-22 पे भी वीडियो बना चुके हैं। यह पहली बार 31 मार्च 1990 को उड़ा था और दिसंबर 1992 को यह बाजार में उपलब्ध हो गया था। रॉबिन्सन R-44 एक लाइट यूटिलिटी और ट्रेनर हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल कई कामों में किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर के डिजाइनिंग का काम फ्रैंक डी रॉबिन्सन ने ही किया है। इस हेलीकॉप्टर के अब तक 6,331 से भी ज़्यादा यूनिट्स बनाए और बेचे जा चुके हैं। रॉबिन्सन R-44 दुनिया का बेस्ट सेलिंग जनरल एविएशन यानी कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर है। ये 21वीं सदी का सबसे ज़्यादा बनने और बिकने वाला हेलीकॉप्टर है। तो चलिए इस हेलीकॉप्टर के बारे में और भी अच्छे से जानते हैं। रॉबिन्सन R-44 एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। इसका मेन रोटर में 2 ब्लेड लगे हैं और टेल रोटर में भी 2 ब्लेड लगे हैं। इसमें पायलट के अलावा 3 वयस्क लोग बैठ सकते हैं और कुछ छोटे बच्चे तो बैठ ही सकते हैं। यानी कि इस हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ साथ कुल 4 बड़े वयस्क आराम से बैठ सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर के कुल 3 मॉडल बनाए जा चुके हैं, जिसमें R-44 न्यूज़ कॉप्टर, जनवरी 2000 में R-44 रैवन आया और जुलाई 2002 में R-44 रैवन 2 आया, और ये सभी मॉडल अपने जमाने में बेस्ट सेलर्स रहे हैं। आज भी रॉबिन्सन R-44 रैवन 2 दुनिया का बेस्ट सेलर हेलीकॉप्टर बनते आया है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें लाइकोमिंग की 6 सिलेंडर वाली पिस्टन इंजन लगी है जो 245 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करती है। इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 640 किलोमीटर, यानी कि एक बार फ्यूल टैंक के भरे जाने के बाद ये लगातार 644 किलोमीटर तक उड़ सकती है। इस हेलीकॉप्टर का माइलेज है 3.4 किलोमीटर पर लीटर, जो इसे एक सस्ता और किफ़ायत हेलीकॉप्टर बनाता है। इस सेगमेंट में दूसरे हेलीकॉप्टर के मुकाबले ये काफ़ी बेहतर भी है। ये हेलीकॉप्टर 14,000 फुट यानी कि 4.2 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ सकता है। अगर इस हेलीकॉप्टर की रेट ऑफ क्लाइंब यानी कि ये कितनी रफ्तार से ज़मीन से आसमान की ओर जाने में सक्षम है, तो जान लीजिए कि इस हेलीकॉप्टर की रेट ऑफ क्लाइंब है 5.1 मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज़रूरी बात यानी कि अगर इस हेलीकॉप्टर की कीमत की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर की कीमत है $4,30,000, यानी कि भारतीय रुपए में इसकी कीमत है 3.1 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ रुपए। हालांकि 3 करोड़ रुपए भी किसी सामान्य आदमी के लिए काफ़ी महंगा होता है, लेकिन अगर इसकी स्पेसिफिकेशन या इस सेगमेंट की किसी और दूसरे हेलीकॉप्टर से अगर इसे कंपेयर करें तो ये काफ़ी सस्ता है। 4 सीटर किसी दूसरा हेलीकॉप्टर का दाम काफ़ी ज़्यादा महंगा है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर का वजन है 680 केजी, और ये कुल 1,134 केजी का वजन को लेकर उड़ने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर में 111 लीटर फ्यूल यानी कि ईंधन भरे जा सकते हैं। तो ये था इस हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन। इन्हीं सब खूबियों के कारण ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला हेलीकॉप्टर बन गया है। आपको ये हेलीकॉप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा,
और अगर आप इस हेलीकॉप्टर के अपग्रेडेड वर्जन यानी कि R66 के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।